हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 38 चेस का प्रिंसेस कट ब्लाउज। फ्रंट ओपन ब्लाउज होगा हमारा ये जो लेस है ये हमारी ब्लाउज के साथ में आई थी। अब देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। यहाँ पे मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है, आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। यहाँ पे हम बलून वाली स्लीव्स बनाएंगे बिना अस्तर की। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। नीचे से कपड़ा बराबर करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए हम लेंगे लेंथ, हमें तैयार लेंथ ब्लाउज की रखनी है 15 इंच। 1 इंच मार्जिन ऐड करके 16 इंच पे निशान लगाएंगे। स्क्रीन पे आप जो मेजरमेंट देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे और आपको जितनी भी तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच का मार्जिन का ऐड करके निशान लगाइएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करके इस लाइन के ऊपर लेंगे हम शोल्डर। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, नीचे भी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और आर्मोल्स में यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि आर्मोल्स की जो गोलाई है हमारी वो है 17 इंच। अगर आपकी आर्मोल्स की गोलाई जो है वो ज़्यादा है 17 से, तो आप यहाँ पे आर्मोल्स की लेंथ बढ़ाकर ले सकते हो। अब देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लेंगे हम चेस्ट। चेस्ट है हमारी 38 का 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 9.5 इंच 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। और नीचे की तरफ लेंगे हम वेस्ट, वेस्ट है हमारी 33 का 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 9.25 इंच 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हम आर्मोल्स की गोलाई देंगे, कोने पे टेप को रख के 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से आर्मोल्स की गोलाई दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ऊपर से हम 1/2 इंच शोल्डर का छोड़ देंगे और इस तरीके से यहाँ पे आर्मोल्स की गोलाई मेजर करेंगे। हमारी आर्मोल्स की गोलाई है 17, उसका आधा यहाँ पे आना चाहिए 8.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा बराबर 8.5 इंच आ रहा है। अब देखिए हम शोल्डर डाउन कर लेंगे नेक की तरफ, डीप नेक में हम शोल्डर डाउन करते हैं नेक की तरफ 1/2 इंच। और अब यहाँ पे देखिए हम नेक ब्रेथ लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, मैं यहाँ पे डोरी लगा रही हूँ इसलिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और नेक लेंथ लेंगे हम यहाँ पे 10.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको डीप रखना है उतना रख सकते हो। नीचे से नेक ब्रेथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 3 इंच और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़ा फिर से डबल फोल्ड करके रख लिया है, बंद वाली साइड यहाँ पे मैंने अपनी तरफ रखी है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम कपड़ा बराबर करने के लिए। और प्रिंसेस कट में देखिए फ्रेंड्स हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच पे निशान लगा लिया है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और आगे की तरफ हम हुकाई करेंगे तो हुकाई का मार्जिन भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हम लेंथ लेंगे तो हमें तैयार लेंथ रखनी है 15, 1 इंच मार्जिन ऐड करके 16 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर वाली लाइन से हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर इस 1/2 इंच को छोड़ते हुए हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने हुकाई का मार्जिन छोड़ा है उसे छोड़ते हुए हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और आर्मोल्स की लेंथ भी ले लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे भी देखिए हम चेस्ट लेंगे, हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए 9.5 इंच 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। और कमर की तरफ भी हम हुकाई का मार्जिन छोड़ निशान लगा लेंगे इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमें आर्मोल्स डाउन करना है 1/2 इंच अंदर की तरफ, तो 1/2 इंच पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर अंदर वाले कोने पे टेप को रख के 1 इंच पे निशान लगाएंगे और बाहर वाले कोने पे भी टेप को रख के बैक साइड का आर्मोल्स का निशान लगा लेंगे। और दोनों आर्मोल्स का इस तरीके से हम हल्के हाथों से शेप दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम शोल्डर भी डाउन कर लेंगे 1/2 इंच पे। अब प्रिंसेस कट के लिए हम यहाँ पे मार्किंग बढ़ाकर लेंगे, तो नीचे की तरफ लेंगे हम 1.5 इंच बढ़ाकर इस तरीके से और ऊपर की तरफ लेंगे हम 1 इंच बढ़ाकर और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें बैक वाला आर्मोल्स कट करना है पहले, फिर प्रिंसेस कट ज्वाइंट करके हम फ्रंट वाला आर्मोल्स कट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो देखिए नेक की जो लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ वो रख रही हूँ 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
और यहाँ पे देखिए हमें 2 इंच का शोल्डर रखना है, इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाया है नेक वृत्त, और नीचे भी 2.5 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और नीचे की तरफ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से हाथों से नेक का शेप दे देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे हमें नेक का शेप दे देना है, इसे हम पेपर पेस्टिंग पे बाद में कट कर लेंगे। अब हम प्रिंसेस कट के निशान लगाएंगे। तो हुक आई के मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे 10.5 इंच, और जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लगाया है वहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ाकर लेंगे। नीचे हमने 4 इंच पे निशान लगाया है, तो ऊपर हम 4.25 इंच पे निशान लगाकर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस पॉइंट को देखिए हम आर्म होल्स की तरफ मिलाएंगे इस तरीके से, और अब हम टक्स की वृत्त लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच, और लेंथ लेंगे 2 इंच, और एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। और जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे हम इस तरीके से तिरछा कट कर लेंगे। दोनों प्रिंसेस कट पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है फ्रेंड्स, अब इस पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो दोनों साइड की बॉर्डर है उसे हमें कट करके लेना है। यहाँ पे हमारी ब्रॉड बॉर्डर है, इसे हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे, और ये जो हमारी छोटी बॉर्डर है इसे हम बैक पार्ट में यूज़ करेंगे। तो देखिए ये जो हमारे फ्लावर है ये हमारे स्लीव्स में यूज़ होंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों बॉर्डर को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे नीचे की तरफ 1/2 इंच मार्जिन रखना है ये फ्लावर के नीचे की तरफ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पट्टी कट कर ली है, और यहाँ पे देखिए हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए पट्टी में, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इसे हम कट करेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स हम बचे हुए फैब्रिक से कटिंग करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स हमें जो तैयार रखनी है वो रखनी है 10 इंच, और ये बॉर्डर हमारी नीचे की तरफ लगेगी। तो इसे हम काउंट करेंगे, देखिए ये हमारी 4.5 इंच की बॉर्डर बनेगी यहाँ पे। तो बचा हुआ हम काउंट करके लेंगे, मतलब 5.5 इंच की हमें स्लीव्स रेडी करनी है यहाँ पे। 5.5 इंच में हम 1 इंच मार्जिन ऐड करके 6.5 इंच की स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अखबार लिया है, इसका बंद वाला साइड मैंने अपनी तरफ रखा है, इस पर हम स्लीव्स कट करेंगे बलून स्लीव्स। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 6.5 इंच पे लेंथ का निशान लगाएंगे इस तरीके से। 5.5 हमें तैयार रखनी है, 1 इंच मार्जिन ऐड करके 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है। आगे भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और आगे से देखिए हम 2 से 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप 4-5 इंच भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक कम आता है इसलिए मैंने 2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। इस तरीके से देखिए हमने लाइन ड्रो कर ली है। अब देखिए हम स्लीव्स डाउन करेंगे यहाँ पे 3 इंच पे, इस तरीके से 3 इंच पे स्लीव्स डाउन कर लेंगे, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रो कर लेंगे। अब हम आर्म होल्स की गोलाई लेंगे, जो हमने 2 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम आर्म होल्स की गोलाई लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट का आर्म होल्स मेजर कर लेंगे पहले हम। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो देखिए 2 इंच की जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसे छोड़ते हुए यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। नीचे की तरफ भी देखिए हम पूरा फैब्रिक ले लेंगे, खाली 1/2 इंच हम यहाँ पे छोड़ेंगे, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम ऊपर की तरफ भी 1.5 से 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप 3 से 4 इंच भी बढ़ा कर ले सकते हो। और इस तरीके से देखिए हम स्लीव्स का शेप दे देंगे यहाँ पे। इस तरीके से शेप देने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है, ये जो हमारे फ्लावर्स है ये हमारे स्लीव्स में आने चाहिए। इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे इस तरीके से देखिए, और ये जो फ्लावर्स है ये हमारे सेंटर में आने चाहिए। इस तरीके से हमें इस पर
ये जो हमारी स्लीव्स है पेपर पे कटिंग वाली वो रखनी है। तो देखिए इसे हम सेंटर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से और फ्लावर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए और यहाँ पे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद देखिए एज इट इज कट कर लेंगे हम यहाँ पे। कट करने के बाद देखिए दोनों साइड यहाँ पे हमारे स्लीव्स में जॉइंट आएगा, तो ये हम स्टिचिंग के टाइम हम दोनों साइड यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे बाद में। अब देखिए बचे हुए फैब्रिक से हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो सभी पार्ट्स को इस तरीके से रखते हुए हमें चारों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बराबर से बैठ नहीं रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे अलग तरीके से कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे हम इसे इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सेट हो चुका है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट भी हम यहाँ पे सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए चारों सभी पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद देखिए हम स्टिचिंग करेंगे अब। तो देखिए हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पे उल्टा रखा है, इसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से और दोनों को जॉइंट करने के लिए चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए फ्रंट साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम इसका नेक रेडी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए हम यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेंगे और इसके सेंटर और जो हमारा फैब्रिक का सेंटर है दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे हम। इस तरीके से रखते हुए देखिए हमारा जो शेप दिख रहा है नेक का उसे हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरीके से। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद देखिए इसे हम वापस डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए दोनों तरफ से हम यहाँ पे हाफ हाफ इंच पे एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे हम कट करेंगे इस तरीके से। कट करने के बाद देखिए इसे हम अस्तर के फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे आयरन करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसे अस्तर का फैब्रिक लिया है, इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसे आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है और हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने साइड में। इसके जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है उस पर हमें छोटे छोटे से इस तरीके से कट लगा लेने हैं। इस तरीके से कट लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा लेनी है पूरे नेक में। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें पूरे नेक में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से अच्छे से और यहाँ पे हम सेंटर कट लगा लेंगे एक बीच में इस तरीके से। सेंटर कट लगाने के बाद देखिए इसे हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे, तो मेन फैब्रिक में भी हम सेंटर कट लगा लेंगे इस तरीके से। सेंटर कट लगाने के बाद देखिए इसे हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमारा जो पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है वो रखेंगे इस तरीके से और ऊपर की तरफ हम सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद देखिए हम यहाँ पे नेक पे सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसके जस्ट बाजू से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद देखिए अंदर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे कट कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। अब पूरे नेक में हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। जो हमारे कोने हैं वहाँ पे हमें अच्छी तरीके से कट लगा लेने हैं
कट लगाने के बाद देखिए इस पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करते हुए अच्छे से ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए इसे सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि इसे हम फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं, इसलिए सेंटर से कट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इसके प्रिंसेस कट वाले पार्ट्स रेडी करेंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने प्रिंसेस कट वाला पार्ट लिया है, इसे हम मेन फैब्रिक को देखिए इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से, और दोनों को जॉइंट करने के लिए देखिए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग देते हुए। सिलाई लगाने के बाद देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके लेना है यहाँ पे। कट करने के बाद देखिए इसे हम जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, इसे हम इस तरीके से सीधा रखेंगे, इसके ऊपर प्रिंसेस कट वाला पार्ट इस तरीके से रखेंगे और नीचे से बराबर करते हुए पकड़ेंगे और हल्के हाथों से देखिए हमें इसे मिलाते हुए इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई हम और लगा लेंगे यहाँ पे फिनिशिंग के लिए। सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस कट है वो एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी जॉइंट कर लिया है। दोनों साइड जॉइंट करने के बाद देखिए हम दोनों के शोल्डर को बराबर से मिलाते हुए रखेंगे इस तरीके से और पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आर्म होल्स कट करेंगे। यहाँ पे इसका फ्रंट पार्ट का आर्म होल्स हमें यहाँ पे कट करना है। तो देखिए हमारा जो निशान है वो हल्का हल्का दिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपकी सिलाई यहाँ पे खुल गई है वापस से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इसको हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरफ देखिए हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी के लिए देखिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है अस्तर का, और यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है। दोनों को जॉइंट करने के लिए हम यहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे, पट्टी को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे इस तरीके से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और ऊपर से हाफ इंच इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए, पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे, जो हमने हाफ इंच फोल्ड किया है वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। फिर पट्टी को देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लगा के लेनी है। पट्टी को फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक सिलाई हम और लगा लेंगे यहाँ पे। दोनों सिलाई लगाने के बाद नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी के लिए देखिए हम अस्तर का फैब्रिक लेंगे, इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और ऊपर से हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे नेक की तरफ से, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर पट्टी को इस तरीके से पलटते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से देखिए हमने पट्टी रेडी कर ली है। अब इसके हम दोनों पट्टी को मिला के रखेंगे इस तरीके से और चेक करेंगे, जो भी छोटा बड़ा हमारा जो पार्ट हो रहा है उसे हम कट करके यहाँ पे बराबर कर लेंगे इस तरीके से। देखिए जो हमारा नीचे से छोटा बड़ा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे यहाँ पे और फिर से एक बार मेजर करके चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बराबर हो चुका है। तो नीचे की तरफ हम यहाँ पे कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट करके ली है, इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, हाफ इंच आगे से फोल्ड करते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर पट्टी को देखिए इस तरीके से पलटते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर पट्टी को हम देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए अच्छे से फिर सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कमर पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए दोनों साइड कमर पट्टी लगा ली है। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, तो अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट के मेन फैब्रिक को देखिए हम उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए चारों तरफ यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोनों को जॉइंट करने के लिए हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे।
अच्छे से फिनिशिंग देते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है उसे हमें कट कर लेना है यहाँ पे। इस तरीके से कट करने के बाद देखिए हम टक्स के निशान लगाएंगे। सेंटर से हम टक्स की दूरी लेंगे यहाँ पे 4.5 इंच और लेंथ लेंगे हम यहाँ पे 4.5 इंच। दूसरी साइड भी 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पकड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी टक्स लगा लेंगे। दोनों साइड टक्स लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मुझे यहाँ पे जो वर्क वाली हमारी पट्टी आई थी ब्लाउज के साथ वो लगानी है, तो यहाँ पे आप उसे कमर पट्टी ना लगाएं और जो हमारी पट्टी है वो लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने गलती से कमर पट्टी लगा दी थी, तो बाद में हम यहाँ पे देखिए बॉर्डर अटैच कर लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी लगा ली है। अब हम नेक रेडी करेंगे, तो नेक के लिए देखिए यहाँ पे हम उरेप फैब्रिक कट करके लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने 2 पट्टियाँ कट करके ली है। अब इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से रखते हुए। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इसे हम नेक रेडी करेंगे बैक पार्ट का। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है, इसके ऊपर हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे नेक में। हल्के हाथों से हमें पट्टी को सेट करते हुए इस तरीके से पूरे नेक में एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम पूरे नेक में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाने के बाद देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पट्टी लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो पट्टी को हम आगे की तरफ खोल के रखेंगे और देखिए पट्टी की सिलाई के ऊपर देखिए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का शोल्डर रख के 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। फिर पट्टी को देखिए हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसे देखिए हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद देखिए इस पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है हमें पूरे नेक में। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकालेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरीके से हम डबल फोल्ड करते हुए पकड़ेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। सेंटर निशान लगाने के बाद देखिए आई की पट्टी को हमें सेंटर से आगे करते हुए रखना है इस तरीके से, और कमर की तरफ से चेक करते हुए हमें देखिए इस तरीके से चेक कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। और आर्म होल्स की तरफ भी सेम इसी तरीके से हमें चेक करके लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे, पर यहाँ पे देखिए हम हुक की पट्टी सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे अच्छे से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से कट कर लेंगे और आर्म होल्स के भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स ले ली है। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट के लिए देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास बचा हुआ है उससे हम यहाँ पे जॉइंट लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसे मैंने सीधा कट कर लिया है। अब इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से दोनों को सीधा रखते हुए पहले हम हल्का सा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर देखिए इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी जो सिलाई है वो गुम सिलाई बन जाएगी। इस तरीके से देखिए दोनों साइड मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। दोनों साइड जॉइंट करने के बाद देखिए हमारा जो
पेपर वाली स्लीव्स है वो रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, और साइड से अच्छे से पकड़ते हुए देखिए हम इसे कट कर लेंगे। अच्छे से मेजरमेंट लेते हुए इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटर कट लगा लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी हम सेंटर कट लगा लेंगे। दोनों साइड सेंटर कट लगाने के बाद देखिए हम यहाँ पे प्लेट्स भरेंगे इसमें। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे प्लेट भरनी है। एक साइड हमें यहाँ पे चार प्लेट भरनी है क्योंकि फैब्रिक हमारा यहाँ पे कम है इसलिए। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से चार प्लेट भर लेनी है। इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ हमारी प्लेट्स लग चुकी है। सेम इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ भी प्लेट्स लगाएंगे, सेंटर से प्लेट्स लगाना चालू करेंगे। ऊपर की तरफ हम यहाँ पे पांच प्लेट्स लगाएंगे एक साइड में, और दूसरी साइड में भी पांच प्लेट्स लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स है वो एकदम फिनिशिंग के साथ पफ बन के रेडी हुआ है। अब हम नीचे की तरफ बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर के लिए जो हमने बॉर्डर कट करके ली थी वो लेंगे, और इसी के मेजरमेंट का हम एक अस्तर का कपड़ा लेंगे। बचे हुए अस्तर से देखिए मैंने एक पीस कट करके लिया है। अब देखिए इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और स्लीव्स फिटिंग का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 6.25 इंच पे, और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके लेंगे, और इस तरीके से देखिए तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। अब इसे देखिए मेन फैब्रिक के जो हमारी बॉर्डर है उसके साथ अटैच करेंगे। तो बॉर्डर को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए हम इसे पलटते हुए अस्तर वाले पार्ट पे सिलाई लगाएंगे, फिर अस्तर वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, और एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ पे कट करके लेंगे इस तरीके से। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसे स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे, जो हमने पफ वाला स्लीव्स बनाया था उसके साथ अटैच करेंगे इसे। अटैच करने के लिए देखिए मैंने इसे ले लिया है, इसे हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर देखिए अस्तर वाला पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसमें। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से पलटते हुए ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम ऊपर की तरफ करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है उसे हम इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम देखिए देखिए मैंने आपको बताया था ना जो हम बॉर्डर बनाना भूल गए थे बैक पार्ट में, वही बॉर्डर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो देखिए इसे मैंने अब 1/2 इंच इस तरीके से नीचे से फोल्ड कर लिया है, और इस तरीके से हम यहाँ पर अब इसे अटैच करेंगे। आप कमर पट्टी ना लगाते हुए डायरेक्ट इसी पट्टी को आप फोल्ड कर सकते हो अंदर बाहर की तरफ, तो भी आपकी एकदम फिनिशिंग के साथ ये पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पट्टी लगा ली है, अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो देखिए स्लीव्स मैंने यहाँ पे आधी अधूरी रेडी की थी, अब नीचे की तरफ हम लेस लगाएंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वही लेस हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए इसे हम इसके अंदर इस तरीके से रखते हुए ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये लेस हमारे ब्लाउज के साथ ऑलरेडी आई थी इसलिए हम इसे इसके साथ अटैच कर रहे हैं। अब ऊपर की तरफ देखिए हम फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब हम स्लीव्स को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे अच्छे से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हम कट करके लेंगे। आर्महोल्स की तरफ भी हम चेक करके लेंगे, जो भी छोटा बड़ा आर्महोल्स हो रहा है उसे हम कट कर लेंगे यहाँ पे स्लीव्स में। कट करने के बाद देखिए सेंटर कट भी हमें यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से। सेंटर कट लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। इस सेंटर को देखिए हम ब्लाउज के शोल्डर पे रखेंगे,
तो देखिए, पहले हम शोल्डर जो हमारा छोटा बड़ा हो रहा है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। इस तरीके से बराबर करने के बाद देखिए, शोल्डर की जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर हम स्लीव्स का जो सेंटर वाला पार्ट है, जो हमने सेंटर कट लगाया था, वो रखेंगे इस तरीके से। और फिर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें स्लीव्स में कोई भी गहराई नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पफ वाले स्लीव्स है, इसलिए डायरेक्ट हमें अटैच कर लेना है दोनों साइड स्लीव्स का इस तरीके से, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है वो एकदम फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करने के लिए सिलाई लगाएंगे। तो दोनों को देखिए इस तरीके से कमर की तरफ बराबर करके पकड़ेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्लीव्स अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे देखिए फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आई की पट्टी को छोड़ते हुए हम कमर का निशान लगाएंगे 9.5 इंच, मतलब 8.75 इंच, और ऊपर की तरफ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच, मतलब 9.5 इंच इस तरीके से। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हम स्लीव्स फिटिंग लेंगे। स्लीव्स फिटिंग है हमारी 6.25 इंच, मतलब कि 6.25 इंच, और इस तरीके से तीनों निशान को हम एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, हमने जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कमर की तरफ से कपड़ा बराबर करते हुए रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम एक और लगाएंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। फिर साइड से जो भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे इसकी डोरी रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डोरी बनाकर रेडी कर ली है, और जो हमारे पास लेस बची थी उससे हम लटकन बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर कपड़े लिए हैं, इनको ऊपर से हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और बीच में देखिए, हम यहाँ पे डोरी डालेंगे एक कोने पे इस तरीके से, और इस तरीके से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम तीनों को दोनों कोनों को इस तरीके से अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए, इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और कैंची की मदद से जो हमारा ये कोना है इसे हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए, हम हमारा जो ब्लाउज का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो कतरिंग है, वो हम इसके अंदर भरेंगे इस तरीके से। इस तरीके से भरने के बाद देखिए, इसे हम इस तरीके से बंद करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए, हमारा जो लटकन है वो बनकर रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला लटकन भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों लटकन रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो ऊपर से देखिए, मैंने 4 उंगली जितने छोड़ दिया है शोल्डर की सिलाई से, और इस तरीके से निशान लगाकर मैंने यहाँ पे डोरी अटैच कर ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम डोरी अटैच कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।